लड़का अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि वो खुद तो डूबेगा, साथ में हमें भी ले डूबेगा। प्रेम को घर से बेघर करने में जितना हाथ सुष्मिता जी का है ना, उससे कहीं ज्यादा दिमाग मल्लिका जी का है। रोशन साहब, तुम जैसे दोस्त से तो वो दुश्मन विधि अच्छी है। हमारे जीत की शुरुआत हो गई। दे ताली। क्या जय श्री कृष्ण मल्लिका जी। जय श्री कृष्ण। आपने मुझे अचानक क्यों याद किए हैं? जोशी, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्या तुम उसका सच सच जवाब दोगे मुझे? वो तो सवाल क्या है उस पे निर्भर है। रोशन नंदा को जानते हो? जानता हूँ मैं उन्हें, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कब मिले उसे आखिरी बार? मैं रोशन जी को कब मिला था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। सच में? एक मिनट, नहीं सच्ची याद नहीं आ रहा है। याद आ गया ने, मैं रोशन जी से महीनों पहले मिला था। थोड़ा और याद करो, सच में महीनों पहले या ऐसे कुछ थोड़े दिनों पहले? ए मल्लिका जी, ए मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं रोशन जी को मिलूंगा? अच्छा, लेकिन रोशन अंकल ने तो कहा था कि तुम उनके घर गए थे उनसे मिलने। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग हैं? जो इंसान ने मुझे मुझे कुत्ता बनाया, मैं उसे जाके मिलूंगा? कभी नहीं, मैं नहीं मिला उसे, कसम से। मतलब रोशन अंकल ने हमसे झूठ बोला? छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो जानते ही है उनकी आदत है झूठ बोलने की है। तुम तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना जोशी। नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो फिर रोशन जी ने हमसे झूठ क्यों बोला? लेकिन लेकिन कहा क्या रोशन जी ने आप लोग से? यही कि प्रेम को रोशन अंकल के खिलाफ भड़काने में सुष्मिता जी और मेरी मॉम का हाथ है। अब ये सुष्मिता जी कौन है? तुम नहीं जानते सुष्मिता जी कौन है? आप दोनों सुष्मिता सेन की बात कर रहे हो? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। सुष्मिता जी रोशन अंकल की बीवी थी, प्रेम की माँ। ए ओ सुष्मिता जी रोशन जी की बीवी है? माय लॉर्ड, कमाल है, आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया लेकिन आप लोग को बता दिया है। मतलब प्रेम की मम्मी भी है वो? कहाँ है? कहाँ? वो मुंबई में है, मुझे भी मिलना है उनसे। बताओ ना कहाँ है वो, कहाँ है? जोशी मेरी एक बात याद रखना, रोशन जी की तो आदत है झूठ बोलने की, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। और अगर रोशन अंकल झूठ बोल रहे हैं तो? तो उनका ये आखिरी झूठ होगा, इन्हें मल्लिका जी। माँ, वैसे जोशी जी के पास हमसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। हाँ, तो फिर रोशन अंकल ने आपके ऊपर हाथ? क्या? हाथ? कि वो रोशन नंदा ने मल्लिका जी पे हाथ? नहीं उठाया, उठाया मतलब। लेकिन एक बात बताओ मल्लिका जी, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि रोशन नंदा ने आप पे हाथ उठाया। फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी हस्ती है आप। मल्लिका जी सोचिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं चाहिए मल्लिका जी, आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए। ये मैं नमक खराब नहीं हूं, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा।
कि रोशन जी ने आप पे हाथ उठाया। हाथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ना ये। वाह भगवान वाह, तेरा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? विधि, मैं, मुन्ना, हम सब गरीबों का बदला शुरू हो गया है। क्या सोच रहे हो जोशी? नहीं कुछ भी तो नहीं। मुझे प्रेम नंदा, रोशन नंदा की हर खबर चाहिए। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं या नहीं, और मिलते हैं तो कब, कहाँ और क्या बातें करते हैं। पल पल की खबर मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण। रोशन अंकल, रोशन अंकल, रोशन अंकल, अंकल। आओ विधि, घबराओ मत, कम कम कम। रोशन अंकल, आपने मुझे बुलाया। बुलाया मैंने, लेकिन एक्चुअली मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर, कि पिछली बार जब तुम मुझे मिली थी बस्ती में, याद है, मेरे हाथ से च्युइंगम छीन कर खाई, बदतमीजी की, आंखें दिखाई। एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या ये वही लड़की है जो मुझे बस्ती में मिली थी। वहां जो मुझे आंखें दिखा रही थी, आज आंखें झुका कर खड़ी है। अब कम। वो क्या है ना रोशन अंकल, उस दिन जब मैं घर गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो मेरे पापा की फोटो, फोटो तू नहीं तो फोटो, पापा की फोटो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पाई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पापा मुझे कह रहे कि बेटा क्या मैंने तुम्हें बचपन में कभी चिंगम नहीं खिलाई, कि तूने रोशन अंकल की चिंगम खा ली, वो भी छीन के। रोशन अंकल आप जैसे भी हो मेरे पापा के दोस्त थे ना कभी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ना आपको आपकी चिंगम वापस दे दूंगी। मैं अपने पापा का गुरूर हूँ। क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ अलग पूछना चाहता हूँ। जी पूछे ना अंकल। मुझे बात बताओ, तुम मलिका जी से मिली थी? हाँ, जब मुन्ना पुलिस स्टेशन में था उस वक्त वो चुड़ैल से, मतलब के उस वक्त मलिका जी से मिली थी मैं, लेकिन उसके बाद ना उन्होंने मुझे मौका दिया ना मैंने उन्हें इजाजत दी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुम मलिका जी से मिली थी या नहीं? अंकल वो आपकी अच्छी दोस्त है, आप उनसे पूछिए ना, आप मुझे क्यों पूछ रहे? अरे देखो रो मत अभी, देखो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में तुम मलिका महेश्वरी से मिली थी कि नहीं मिली थी, इतना बता दो मुझे। वो मलिका महेश्वरी जिसने मुझे गोवा में बेचना चाहा, वो मल्लिका महेश्वरी जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, वो मल्लिका महेश्वरी जिसने मेरे पापा को मार डाला, मैं वो मल्लिका महेश्वरी का मुंह तक नहीं देखना चाहती। और आप मुझे पूछ रहे क्या मैं उससे मिली थी? अब अगर मैं उससे मिली ना तो वो उठ जाएगी। वाह संतुड़ी, क्या डायलॉग मारा है। मतलब मल्लिका महेश्वरी झूठ बोल रही है?
वैसे तो साजिश में आप भी शामिल थे ना, मैं आपको भी कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, ये तो आपके अच्छे कर्म है, पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप प्रेम नंदा जैसे चिकू चिकू हीरो के पापा है, वरना आप भी। देखो तुम जा सकती हो अभी, ठीक है, और प्रेम से कहना कि जल्दी घर वापस आ जाए। प्रेम से कहना मतलब? मैं प्रेम से कैसे कहूंगी? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ बस्ती में रहता है ना, इसलिए। नहीं रोशन, वो मेरे साथ बस्ती में नहीं रहता। मतलब? नफरत करती हूँ मैं प्रेम से, और मरते दम तक करती रहूँ। अरे उसके साथ रहना तो दूर की बात है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे प्रेम नंदा से नफरत है, नफरत है, नफरत है। प्रेम? मतलब प्रेम तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, दुश्मनों से अपनों का पता पूछ रहे हो? जा रही हूं मैं। मतलब मलिका जी ने झूठ कहा कि वो विधि से मिले थे, और अगर प्रेम विधि के साथ नहीं है तो कहाँ है वो? मेरा बेटा प्रेम कहाँ है? हम पंडित को बोल के आया है, वो वक्त पे आ जाएगा, और वो बच्चे लोग को जो खाना खिलाने का है उसका बंदोबस्त तो हो जाएगा ना। आंटी सब हो गया है, और वो पूजा और हवन की सामग्री भी आ गई। क्या है ना कि विधि का जो माँ का ये बरसी है उसमें कोई तैयारी में कमी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम बोल रहे हैं। अरे कुछ नहीं होएगा आंटी, अपन ने अपने दोस्त लोग को बोल दिया है, भाई लोग कुछ भी काम हुआ ना दौड़ भाग के करना ही चाहिए। तू और तेरा भाई लोग तो बरसी का कौन सा काम करेगा? अरे आंटी अभी अपन को कुछ आता तो है नहीं, तो क्या करेगा? आंगन में झाड़ू लगा देगा, पानी वानी छिड़क देगा, ये छोटा मोटा काम कर देगा अभी अपन। हाँ, और वैसे भी विधि को अपन अपना सिस्टर बोलता है, तो उसका माँ भी अपन की माँ जैसा हुआ ना। वो तो है, वैसे भी हम लोग सब एक फैमिली है, यहाँ अपना पराया कोई नहीं। और वैसे भी अगर अपन सिस्टर की माँ की बरसी में मदद कराएगा तो पुण्य तो अपन को ही मिलेगा ना। हाँ, वो तो है, वैसे भी तुमको ज्यादा पुण्य का जरूरत है ना। बस क्या आंटी, अभी अपन इतना भी फालतूगिरी नहीं करता है। और ये सिस्टर, सिस्टर किधर है? क्या चल रहा है सर? बरसी का तैयारी है। ओ अच्छा, ये ले सिस्टर, ये तू भी देख ले, अपन लिस्ट बनाया है, कुछ छोटा तो नहीं इसमें से? अरे नहीं, एक बार देख तो ले। अरे विधि बेटा एक बार देख लो ना, हम नहीं चाहता तुम्हारा माँ का विधि में कोई कमी रह जाए, देख लो ना। सब ठीक है। एक बार ठीक से देख तो ले कम से कम। नहीं देखना है मुझे ये सब। मुझे माँ की बरसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये क्या बोल रही हो सिस्टर? ये माँ की बरसी के लिए तो मैं माँ की बरसी तभी मनाऊंगी जब तक मैं दुश्मनों से बदला ना ले लूं। माँ को ये पूजा और उनसे शांति नहीं मिलेगी। माँ को शांति मिलेगी तब जब पापा की कसम पूरी हो। सॉरी सिस्टर, अपन खाम का गुस्सा किया तेरे पे। हमको भी माफ कर देना बेटा, आज हम तुमको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं आंटी, आप लोग बरसी की तैयारी करो, मैं दुश्मनों की बरसी की तैयारी करके आती हूँ। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस साजिश में विधि के साथ जो भी शामिल हो, जो भी दुश्मन हो, उसे खत्म कर दो।
रोशन जी बिल्कुल ही फिकर। अगर रोशन जी भी साजिश में मिले हुए हो तो? मिले हो तो नहीं रोमियो, रोशन जी मिले हुए हैं। तुम्हें पता है विधि ने इस बार एक कंकर से तीन शिकार किए हैं। प्रेम से वो शादी करेगी, रोशन नंदा को विटनेस बनाएगी और हम जाएंगे जेल में। एक कंकर से तीन शिकार चिड़िया के होते हैं मल्लिका जी, हमारे जैसे शैतानों के नहीं। 1,00,000 कमीने मरते हैं तब हम जैसे लोग पैदा होते हैं। और अगर विधि के साथ मिलकर रोशन जी ने भी कोई चाल हमारे खिलाफ चली तो उनका भी वो हाल करूंगा कि अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मल्लिका जी, विधि हमें सजा देना ही चाहती है, हमारे साथ बदला लेना ही चाहती है, तो वो पुलिस में क्यों नहीं है? कहीं वो तो कोई गेम नहीं खेल रही है? वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विधि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही है, क्या चाहती है वो, आखिर साजिश क्या है, और अगर कोई साजिश है भी तो इसके पीछे है कौन? मुझे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस साजिश में विधि के साथ जो भी शामिल हो, जो भी दुश्मन हो, उसे खत्म कर दो। इतने गुनाह किए ना, एक और सही। मैं मल्लिका महेश्वरी तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कानून से तुम्हें मैं बचाऊंगी। ठीक है। मैं विधि से प्यार करता हूं सर, और विधि भी मुझसे प्यार करती है सर। सामने देखो प्रेम, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, नहीं पहचानता मैं तुम्हें। अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें अपने पापा और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? लगा चुनरी में दाग।
लड़की की चुनरी, लड़की की चुनरी। सबसे गहरा दाग, सबसे गहरा दाग, सबसे गहरा दाग, सबसे गहरा दाग, कौन सा? उसके अपने आंसुओं का, अपने आंसुओं का, अपने आंसुओं का, अपने आंसुओं का, अपने आंसुओं का। तुमने आज मेरी चुनर में, मैं 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 आज मेरी चुनर में। पता नहीं ये दाग में कैसे चाहिए, 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 दाग में कैसे। चलिए बाबू, चलिए चलिए। ना ये शहर हमारा, ना ये शहर हमारा, ना ये शहर हमारा, ना ये, और ना ही यहाँ के लोग, ना ही यहाँ के लोग, ना ही यहाँ के लोग। सो जाएगी, मैं बैठती हूँ विधि के पास और सुबह तक मैं जागूंगी। नहीं, तुम जाओ और सो जाओ। एक बात पूछूं, अगर इतना ही प्यार था तो तुमने विधि को धोखा क्यों दिया? क्या नाम है तुम्हारा? मंजू ना? हाँ। एक बात बताओ मंजू, अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें अपने पापा और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? मैं तो पापा को ही चुनूंगी। मैंने भी वही किया था मंजू। हम कोई सुपरमैन नहीं, साधारण से इंसान हैं। मैं तो हूं, हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती है, कुछ जरूरतें होती है। मुझसे भी गलतियां हुई थी लेकिन मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। ये क्या हाल बना के रखा है? शर्ट का बटन बंद करो, नहीं अच्छा लग रहे हो। और ये बाल का क्या हाल है? हाँ, बाल ढंग से सेट करो प्लीज। हाँ, ऐसे ये ब्लैक शर्ट अंदर रेड कलर का टी शर्ट बंद करो, ये बी ग्रेड फिल्म के हीरो लग रहे हो। मतलब ढंग के कपड़े पहनो। हाँ?